जहां पर सरकारी प्रचार वाहन को किसानों ने रोका है। यहां पर गांव में घूम रही प्रचार वाहन को किसानों ने घेरा। प्रचार वाहन के नुमाइंदे को किसानों ने सुनाई है खरी खोटी और किसानों की आय दोगुना करने की बात पर भड़के किसान। थाना मंडावर के शहबाजपुर इलाके का यह पूरा मामला है। सरफराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सरफराज, यहां पर प्रचार वाहन चलाने वाला जो ड्राइवर था उसके साथ क्या कुछ यहां पर किसानों की नोकझोंक देखी गई होती हुई? देखिए, ये प्रचार वाहन, सरकारी प्रचार वाहन ये वाहन हो रहा था और इसमें इस दौरान जो है ग्रामीणों ने जो है किसानों ने इसको जो है पकड़ा और पकड़ने के बाद उनसे ही पूछा कि भाई आप जो है किसानों की धन दुगनी आय करने का क्या पूरा मामला है। इसको लेकर के उन्होंने जो है मुकम्मल जवाब नहीं दिया और सभी किसानों ने उन्हें वहां से जो है खदेड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज इन तमाम जानकारियों के लिए। लवके जी, सपने छोड़ दो, सपने छोड़ दो। 3 साल से गन्ने का 1 रुपया बढ़ा गया, पैसे नहीं बढ़ा। बढ़ा गया भाई, बढ़ा गया नहीं बढ़ा। गेहूं का रेट बढ़ा, धान का बढ़ा है। अब सुनो, नहीं बढ़ा, मान रहे हो नहीं बढ़ा। अब डीजल का बढ़ा, पेट्रोल का बढ़ा, डाया खाद बढ़ा, यूरिया बढ़ा, वो तो सही है। गैस का बढ़ा, किलो कम हुआ। तो आय घटी या बढ़ी? आय घटी या बढ़ी? आय घटी या बढ़ी? आय घटी या बढ़ी? आय जो है ना हमारी लोग की घट गई, किसान की घटी या बढ़ी? तो हमारी लोग की तो आपकी नहीं, किसान की आय घटी या बढ़ी? किसान की घटी ना है, तो इसमें क्यों लिख रखा है? ये लिखो आय घटाने के दिशा में बढ़ते कदम, लिखो इसे घटाने के बारे में। यो लिख रखा किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में बढ़ते कदम, इसमें लिखो घटाने की दिशा में बढ़ते कदम, लिखो। ठीक है, पूरी जानकारी हम दे देंगे सर से, सर से बात कर लेंगे। अधिकारी जाकर आप बताओ। ठीक है, लवके जी, सपने छोड़ दो, सपने छोड़ दो। 3 साल से गन्ने का 1 रुपया बढ़ा गया, पैसे नहीं बढ़ा। बढ़ा गया भाई, बढ़ा गया नहीं बढ़ा। गेहूं का रेट बढ़ा, धान का बढ़ा है। अब सुनो, नहीं बढ़ा, मान रहे हो नहीं बढ़ा। अब और मथुरा से खबर आपको बताते हैं, जहां पर पालीखेड़ा में यहां पर किसानों की महापंचायत, मथुरा के पालीखेड़ा में किसानों की महापंचायत कृषि बिल के विरोध में आज 11 बजे यहां पर महापंचायत होने वाली है। प्रियंका गांधी किसान महापंचायत में शामिल होंगी। किसान महापंचायत में भारी भीड़ जुटने की संभावना है। यहां पर मंच से किसानों को संबोधित